स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी एज ऑफ कंसेंट की। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत में अब समय आ गया है जब एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स यानी सहमति से सेक्स की उम्र को कम करने पर विचार होना चाहिए। कंसेंट को कैसे डिफाइन किया जाए, इसके लिए पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 ईयर्स से कम एज के व्यक्ति को बच्चा या चाइल्ड माना गया है। बच्चों के साथ एक्ट्स ऑफ पिनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को इस कानून के तहत क्राइम माना जाता है। बात चाहे आईपीसी के सेक्शन 375 की हो या पॉक्सो की, 18 ईयर्स से कम एज की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है और ऐसा बच्चों की सेफ्टी के लिए किया गया है। इसमें सहमति या कंसेंट जैसी कोई बात नहीं आती। वहीं शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 यानी SC/ST एक्ट कहता है कि यदि किसी के साथ कोई प्रोहिबिटेड एक्ट्स किए जाते हों और विक्टिम की कास्ट के बारे में जानकारी हो तो उस मामले में इंटेंशन को अलग से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद समाज के वल्नरेबल ग्रुप्स को सुरक्षा देना है। ठीक इसी तरह बच्चों के मामले में अगर क्राइम करने वाले को बच्चे की एज के मामले में जानकारी है तो फिर कंसेंट का सवाल कोई मायने नहीं रखता। कंसेंट के मामले में जुडिशरी का क्या ओपिनियन है, इसे कुछ केसेस के जरिए समझा जा सकता है। कई केसेस में देखने में आया है कि हाई कोर्ट्स ने ना तो कभी एज ऑफ कंसेंट को बहुत तवज्जो दी है और ना ही प्रोसिक्यूटर के पक्ष में किसी मैंडेटरी लीगल प्रिजम्पशन का ही कॉग्निजेंस लिया है। यहां तक कि प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड के बीच 10 साल तक का डिफरेंस होने पर भी इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। सहमति से सेक्स की एज 18 ईयर्स से 16 ईयर्स करने को लेकर कई सजेशंस दिए गए हैं। कोर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं, के बाद से कई ऐसे अक्यूज्ड को माइनर गर्ल्स के साथ रिलेशन रखने पर सजा दी गई है जो कि खुद भी एडल्ट नहीं थे बल्कि एडोलेसेंट थे। कोर्ट के मुताबिक एज लिमिट को 18 ईयर से 16 करने का काम भारत सरकार का है और उसे ही इस पर विचार करना चाहिए। इसका एक कारण ऐसे मामलों में कम से कम सज़ा का भी बहुत कठोर होना हो सकता है। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 10 साल और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 20 साल है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को देख रही एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने महिलाओं के लिए शादी की एज बढ़ाकर 21 करने की सिफारिश की है। इस पर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑब्जेक्शन जताया है। उनका तर्क है कि महिलाओं की मदद करने की जगह हम उन्हें उनके परिवार और समाज का प्रेशर सहने पर मजबूर कर रहे हैं। 2019 में पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट नामक संस्था ने एक स्टडी पब्लिश की थी। इस स्टडी में पाया गया कि चोरी छिपे भाग जाने वाले कपल्स को हमेशा ये डर सताता रहता है कि लड़की के परिजन पुलिस में केस दर्ज कराएंगे जिसमें लड़के पर पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के आरोप लगाए जाते हैं। स्टडी में ये भी कहा गया है कि एक ओर जहां लड़की के आने जाने, प्री मैरिटल रिलेशंस और सेक्सुअलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, वहीं लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और वो पूरी तरह फ्रीडम एंजॉय करते हैं। तो फिर इसमें किया क्या जा सकता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRND एज ऑफ कंसेंट के मामलों को एनालाइज कर सकती है। इसमें स्टेट्स में एज वाइज एनालिसिस केंद्र सरकार को उम्र घटाने पर कोई फैसला करने में मदद कर सकती है। इसका एक सलूशन ये भी हो सकता है कि सहमति की उम्र को रिड्यूस कर दिया जाए जिसमें कुछ छूट जुडिशरी को दे दी जाए कि केस दर केस इसे अपने हिसाब से देखे, जिसमें रिजल्ट्स के बारे में बच्चे की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए, क्योंकि कुल मिलाकर बच्चे का इंटरेस्ट और उसका फ्यूचर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, ये सवाल भी बहुत अहम है। हालांकि ये मामला पूरी तरह पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, फिर भी कानून में उम्र को लेकर जो प्रोविजंस हैं और हाईकोर्ट ने जो ओपिनियन दिए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना चाहिए। इस मसले पर विचार करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट का पक्ष जानना चाहिए जिसमें माइनर वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना गया था। सरकार जो भी डिसीजन ले उसे पहले कोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की डिमांड्स और ऑब्जर्वेशन को ज़रूर देखना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि एडोलेसेंट्स को पॉक्सो एक्ट और साथ ही IPC के कठोर प्रोविजंस के बारे में बताया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक्टिविस्ट भी पॉक्सो एक्ट को लेकर सचेत हैं और इस बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं।
तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।